जो करते हैं नेचर से बहुत प्यार और जिनके नाम में छिपा है हैप्पीनेस, वो है टीवी इंडस्ट्री के बहुत ही क्यूट एंड हैंडसम एक्टर मुदित नायर, जिन्हें आपने टीवी शो दीवानसी और इशारों इशारों में जरूर देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको मुदित नायर के अर्ली लाइफ, एजुकेशन और स्ट्रगल लाइफ से जुड़ी काफी जानी अनजानी बातों के बारे में बताने वाले हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप भी मुदित नायर के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1997 को मुदित नायर का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पालन पोषण दिल्ली से हुआ है और फिलहाल वो अभी बॉम्बे शिफ्ट हो चुके हैं। मुदित के फैमिली में फादर रविंद्र नायर, मदर अनीता नायर के अलावा उनके भाई सिद्ध भी है, और मुदित मैरिड है, जिन्होंने 13 फेब 2018 को अपराजिता श्रीवास्तव, जो की प्रोफेशन से एक लॉयर है, उनसे शादी कर ली थी। और मुदित का कहना है की जिंदगी में सबसे ज्यादा टफ काम उन्हें अपराजिता को मनाने में लगा था, क्योंकि दिसंबर को वो अपराजिता से मिले थे और फेब को उन्होंने शादी करी, और उसके लाइफ में सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें किसी को कुछ बताने का मौका नहीं मिला। वैसे मुदित वेल सेटल्ड बिजनेसमैन फैमिली से है, अगर वो एक एक्टर ना होते तो शायद बिजनेसमैन जरूर होते या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ ना कुछ जॉब जरूर कर रहे होते, क्योंकि मुदित बचपन से ही स्पोर्ट्स में एक्टिव थे। उन्हें क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी खेलना बहुत पसंद था, और इसलिए वो अगर बिजनेस ना करते तो इन सब फील्ड में कुछ ना कुछ जरूर कर लेते। मुदित ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के एक लोकल स्कूल से करी और ग्रेजुएशन भी उन्होंने वहीं की यूनिवर्सिटी से करा। उन्हें अपने चाइल्डहुड से ही एक हीरो बनने का शौक था, पर इस ड्रीम को पूरा करने का उन्हें कभी मौका नहीं मिला था, क्योंकि वो थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के लड़के थे और उनके फ्रेंड्स भी ज्यादातर सिलेक्टिव होते थे। उनके फादर ने हमेशा उन्हें डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के आइडिया दिए, और जब वो मैच्योर हुए तो वो भी अपने फादर के साथ उनके बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, जहां वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को सेल करते थे। कुछ वक्त के लिए मुदित को ये सब बहुत अच्छा लगा, पर शायद उन्हें ये फील हो गया था कि वो लॉन्ग टाइम तक इस बिजनेस को नहीं कर सकते। और उसी दौरान उनके एक फ्रेंड थे जिन्होंने थिएटर किया था और वो काफी अच्छी अर्निंग भी करते थे। उनको देखकर और उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने बैरीजोन एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया और एक्टिंग में डिप्लोमा करा। खैर, मुदित टाइम के बहुत पंक्चुअल है, उन्हें 5 मिनट भी लेट होना पसंद नहीं है। साथ ही उनके पास एक मसाज चेयर भी है, जिन्हें वो 3 साल में बस 3 ही बार यूज कर चुके हैं, और बाकी टाइम वो बस उसमें कपड़े सुखाते हैं। हालांकि वो साफ सफाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर एक बॉटल भी उनके सामने पड़ी हो तो वो उन्हें भी बहुत संभाल कर रखते हैं, और उनके कबर्ड में जितने भी कपड़े हैं वो कभी भी बिखरे नहीं होते। इनफैक्ट उन्हें ओसीडी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ऐसे है। मुदित को काफी हार्ड वर्क और स्ट्रगल के बाद एक एड शूट का ऑफर आया था जो वोडाफोन का था, और उसके लिए उन्हें 4000 भी मिले थे, जो एक्टिंग करियर में उनकी पहली सैलरी थी। मुदित ने ईयर 2009 में पालमपुर एक्सप्रेस शो से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया। देन तेरी मेरी लव स्टोरीज में भी वो केशव के रोल में नजर आए हैं। उनके लाइफ का मेजर ब्रेक शो साबित हुआ अनामिका, जहां उन्होंने जीत सुलोजा का किरदार निभाया था, और बेसिकली ये शो हॉरर ड्रामा पर बेस्ड थी, जहां बहुत सारे ब्लैक मैजिक और मिस्ट्री को सॉल्व करना था, और इसके लिए मुदित को आईटी अवार्ड्स भी मिले थे। फिर उन्होंने ये आस की और बड़ी देवरानी शो करा, पर ईयर 2017 में देवांशी शो उनके करियर का बिग ब्रेक साबित हुआ, जब वो हैली शाह के ऑपोजिट वरदान का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। और उनका कहना था कि जब उन्हें ये प्रोजेक्ट मिला था तब उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया था, क्योंकि उन्हें शो की स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, और ये शो हरियाणवी लोगों पर बेस्ड था, इसलिए उन्होंने लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दिया था और उन्होंने वेट गेन भी करा था। इस शो के बाद वो सोनी टीवी के शो इशारों इशारों में योगेश श्रीवास्तव के रोल में नजर आए, जहां व्यूअर्स उन्हें बहुत प्यार मिला और मेकर्स ने उनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिसिएट किया। करेंटली वो स्टार प्लस के साथ अपना न्यू प्रोजेक्ट कर रहा है, टीवी शो कह दो तुम्हें, जिनकी को एक्ट्रेस युक्ति कपूर है, और मुदित इसमें विक्रांत का लीड रोल प्ले कर रहा है, जिसमें वो थोड़े डिफरेंट शेड में नजर आने वाले हैं। और शो के प्रोमो से ये पता चल रहा है कि ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर के साथ साथ कॉमेडी और रोमांस भी है, और इसमें काफी लंबे टाइम के बाद मुदित ने एक धमाकेदार एंट्री ली है। वैसे मुदित कहते हैं कि जब भी वो अपना कोई भी पिछला शो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो इससे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसलिए वो हमेशा उन सब चीजों से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर फुल पैशनेट, फोकस और सीरियस होकर वर्क करते हैं। वेल, तो ये थी एक प्यारी सी लाइफ जर्नी मुदित नायर के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे साथ हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने।